गुरुजी हाँ बेटा खुश रहो। गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, आप बताइए कि मुझे क्या दिक्कत है। गुरुजी हाँ बेटा बोलो। गुरुजी मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे दिक्कत क्या है, पर मुझे लगता है ना कि मेरे साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। अच्छा जैसे? जैसे गुरुजी पिछले मतलब पहले तो मैं ठीक ही थी, पर पिछले 2 महीने से मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मतलब मैं अपने शरीर को शरीर की तरह नहीं आत्मा की तरह देखती हूँ। चारों तरफ मुझको ऐसा लगता है कि सब आत्माएं हैं और मैं जिससे मिल रही हूँ या कर रही हूँ कुछ, किसी से बात कर रही हूँ तो ऐसा लगेगा कि कोड वर्ड में कुछ बातें हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी से कुछ हिसाब किताब अपना पूरा कर रही हूँ। और मेरे अंदर मृत्यु का इतना ज़्यादा भय हो गया कि मतलब कल या परसों ऐसे आना पड़ा दरबार, ऐसा लगा जैसे यमराज लेके आ रहा है। मैं अपने हॉस्टल के रूम में थी तो वहाँ पे एक पेंटर अंकल आए तो वो कहने लगे कि बेटा रूम पेंट करना है, खाली करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो यमराज कह रहे हैं कि नहीं खाली करना पड़ेगा। और मैं मतलब मेरी नींद रात में ऐसे खुलती है जैसे 4:44 पे, 1:11 पे, 2:22 पे, 3:33 पे, ऐसे नंबर मुझको दिखाई देते हैं सिक्वेंस में। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। आंखें बंद करो, ये लाए जाए मौलाना की जितनी स्मृतियाँ पहले आगे लाई जाए खींच के, मुल्ला जी की सब स्मृतियाँ लाई जाएगी खींच के, ओम सबसे आगे खींची जाए। और जितने गर्भ हैं मौलानाओं के इनके अंदर, वो सारे गर्भ पहले बाहर निकाले जाए, सारे गर्भ निकाले जाए बाहर। इस सब सेवकाओं को खिला दिया निकाल के, अभी देखो अभी कितना गठबंधन आएगा, अभी आएगा तमाम, अभी है अभी है, अभी उठा पटक चालू है। ये इसकी 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 इच्छाएं जो है ना वही इसको मारे हुए, इसकी स्वयं की इच्छाएं इसको नष्ट किए हुए। इसको बड़ा इंटरेस्ट है तंत्र मंत्र और जादू टोना देखना मोबाइल पे, बहुत इंटरेस्ट है। आँख खोलो, क्या देखती हूँ मोबाइल पे? गुरुजी मैं ऐसा कुछ देखना नहीं चाहती हूँ, पर मैं ये सब चीजें पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आती हैं। तुम मोबाइल पे ये जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब क्यों देखती हो? दरबार यही देख रहा है, क्यों देखती हो? कौन कहता देखने के लिए? अभी तो पिछले कुछ दिनों से तो मैं वो जिम चौक क्रश करना ही देखती रहती हूँ घंटों तक। क्या देखती हो? जिम चौक होती है उसको क्रश करते हैं, वही मैं देखती रहती हूँ घंटों तक। क्रश करती हो? हाँ वो उसको तोड़ने, चौक को तोड़ो तो उसमें बस आवाज आती है, दिखाई देता है, तो मैं घंटों देखती रहती हूँ। क्या दिखाई देता है? कलरफुल होता है तो वो उसको तोड़ने वाला मैं देखती रहती हूँ। अब किताब जैसे मैं कुछ किताब पढ़ रही होती हूँ तो उसमें मैं कहानियां निकालने लगती हूँ कि छोटे छोटे शब्दों को वो करके। हमने पूछा तुम मोबाइल पे जादू टोना तंत्र मंत्र की वो क्यों देखती हो? मैं नहीं, ये हमने पूछा क्यों देखती थी? पहले देखती रही होंगी। हाँ तो क्यों देखती थी ये तो पूछ रहे हैं, क्या कारण था? तांत्रिक बनना था? नहीं। आज ज्योतिषी बनना था? फिर क्या जादू टोना करना था? मुझे कुछ मतलब सब गंदी चीजें, मुझे नहीं करना, ये सब गंदगी है। ठीक है जितने दिखते हो ना टोना टोटका जादू टोना टोपी जाली वाले तमाम बैठ के जादूगर टाइप बैठे हुए हैं, मार मीठी मीठी बातें कर रहे हैं जादू टोना वाले, जानते वनते तो कुछ नहीं। समझ गई हूँ गुरुजी, पर अब पहले वाला तो मैं नहीं ठीक कर सकती ना, पर अब वाला तो मैं अब वाला इसलिए कर पा रही हूँ कमांड क्योंकि दरबार से जुड़ी हो, लेकिन दरबार आने के पहले तुम सब ये करती थी। वही दरबार देख रहा है, हाँ इसीलिए वही कराती थी, क्या करे मजबूर है बच्ची। अरे गुरुजी ऐसा कुछ मैं जानबूझकर तो नहीं कर सकती हूँ ना, मैं ऐसा कुछ जानबूझकर तो नहीं कर सकती हूँ ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा खुद पे ही कमांड नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ। मोबाइल कहाँ हमारा? मोबाइल नहीं है, हाँ हाँ बोलो तुम बोलो। क्या बोलूँ?
कुछ ही बोलो जो मजे आ रहे हैं तुम्हें, बोलो अच्छा लग रहा है बोलो, जो बताना चाह रही बोलो। हाँ तो ऐसी मैं मतलब मैं बहुत परेशान पागल जैसी हो रही हूँ इस टाइम पे, मुझे बस ये लगता है कि अब मेरा शरीर वो प्राण त्याग रहा है। अच्छा ऐसे ही लगता है, फिर कल रात में इतनी दिक्कत हो गई, इतना दबाव हो रहा था इधर पे कि ऐसा लग रहा था कि बस जान निकल जाएगी। अच्छा ऐसा लगता था, अच्छी बात। देखो जादूगरनी दिख रही है, ज्वेल दिख रही है। अभी देखो इसकी अम्मा को हम बुलाते हैं, ये जादूगरनी के सबसे जो अम्मा है सबसे बड़ी, उसको बुलाते हैं। ठीक, तुम लोग ध्यान देना, सब दिखाई देगी तुम लोगों को जितने बच्चे देख सकते। मुझे डर लग रहा। अरे भाई तुमको नहीं लग रहा, उसको लग रहा है, तुम शांत रहो। लूना प्रकट, ये जादुई चुड़ैल जो पीछे खड़ी, इसको कूट कूट के मारो पहले। ओम आग बंद, इसकी तुड़ाई करो, इसकी तुड़ाई करो, कस के खींच के आगे लाओ इसको, इसको आगे लाया जाए खींच के, इसको कस के तोड़ो, इसको कस के तुड़ाई करो इसकी, और कस के और तुड़ाई करो कस के, इसकी सभी शक्तियाँ छीन लो। जो इधर से गई उनको देखो, दिव्य हैं एकदम। अरे सबसे बड़ी जादूगरनी है ब्रह्म इस सृष्टि की। हाँ वाइट दिखेंगे, सेविका हैं दरबार में। हाँ इसकी सारी शक्तियाँ छीन लो, ओम बैलेंस। इसके बाल काट दो सारे, मुंडन कर दो इसका, ओम शिव मुंडन किया जाए, माँ से तोड़ दिया जाए इस चुड़ैल को, शिव और शिव से भी तोड़ दिया जाए, शिव बैलेंस। अब इसको अपने में समाहित कर लो, बैलेंस समाहित कर लिया ना अपने में, समाहित कर लिया, खत्म काम। खाने क्या काम, खाते तो हम हैं, तो अपने में उन्होंने समाहित कर लिया इस जादूगरनी को। ठीक है लूना जाओ, बैलेंस तीन बार बोलो, नमः शिवाय, आँख खोलो, आँख खोलो। आप कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आंसू निकल रहे थे तुम्हारे, नहीं थे उसी के थे आंसू जादूगरनी के, वही तुमसे मोबाइल खिलवाती थी जादू टोना वाला, दिखवाती थी तुमको, प्रेरित करती थी तुमको कि देखो समझो और करने की कोशिश करो। ठीक है चली गई। और गुरु जी मुझे डर लगता है कि मैं रात में सोऊंगी और मर जाऊंगी। अब देखो लग रहा है डर? अब नहीं लग रहा। अब नहीं लग रहा है, खत्म हो गया सब है ना। ओम आंखें बंद करो, दरबार इसके सारा परीक्षण करे लोगों को, और सारा परीक्षण करके चिकित्सा करे, पूरे शरीर की चिकित्सा करे इसकी, सब इसकी गंदगी हटाए, इसके अंदर हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियाँ इच्छा विचार आशाएं सब भर दी जाएं, सक्रिय कर दी जाएं। बैलेंस जो गंदगी है पूरे शरीर में वो लाल कर दिया जाए, गंदगी लाल कर दी जाए, जितना लाल हुआ है सब एक किनारे लाए जाए, हाथ के बाएं हाथ के अंगूठे में लाए जाए खींच के, लेफ्ट बाएं हाथ के अंगूठे में जितना लाल हुआ है शरीर की गंदगी सब उसी में लाई जाए, अंगूठे में लाई जाए खींच के, पूरे अंगूठे में लाई जाए।
बैलेंस, ये अंगूठा काट दिया जाए, ओम शिव, काट के अलग किया जाए, सिर्फ गाँव खिला दिया, नया अंगूठा लाया जाए दरबार से, ओम ब्रह्मा, लगा दिया जाए, लगा दिया जाए अंगूठा नया, ओम जोड़ दिया जाए, बैलेंस शिव। जुड़ गया, वो अंदर चिल्लाई ना कसके, वो जीवन है ना इसका, कटांग उठा उसको लगा कि मेरा कट गया। बैलेंस ओम, प्रहार, सभी लोग वापस आए, तीन बोलते गंदगी खा के सब, एक दो तीन, वापस लेपन किया जाए पूरे शरीर पे, आत्मविश्वास बढ़ाया जाए इस बच्ची का, बैलेंस, तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, निर्भय किया जाए इसको, ओम नमः शिवाय, अभय दिया जाए, बैलेंस, आँख खोलो बेटा, बंधन की चोपना, तीन बार ओम नमः शिवाय बोल के, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अब स्वस्थ रहो, खूब प्रसन्न रहो। मेरा एग्जाम है लेखपाल का 24 को, पर मैंने सब कुछ पढ़ लिया, पर मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा है। आग बंद करो, इसने जो कुछ पढ़ा है या इसके शरीर में रहकर के जिसने ही पढ़ा है वो सब इसकी स्मृति बना दीजिए, पढ़ाई लिखाई अध्ययन वाली, इस बच्ची को इसमें लाया जाए, अध्ययन पढ़ाई लिखाई की सारी स्मृतियाँ लाई जाए इसी में, इससे की जाए, इसको सब याद दिला दिया, पीछा लिखा पढ़ा हुआ सब याद दिलाया जाए, पीछे का लिखा पढ़ा अध्ययन सब किया इसको याद दिला दिया जाए, आगे भी जो पढ़े सब इसको याद रहे, परीक्षा के समय इसको सब कुछ याद रहे, पढ़ पाए लिख पाए बोल पाए परीक्षा दे पाए ठीक से, ओम बैलेंस, स्मरण शक्ति बढ़ा के रखी जाए, तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, बैलेंस, आँख खोलो, अब बंधन की चुपना, तीन बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 10-5 कदम मूवमेंट करो, अपने को फील करो, वापस आओ माइक पे, अब कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है गुरु जी, बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तो लग रहा था कि यार दुनिया प्राण छोड़ रही है, दुनिया बहुत, दो तीन दिन से बहुत अजीब लग रहा था। अच्छा अब एक चीज और देखो, आँख बंद करो, देखो तुमने पीछे जो भी अध्ययन किया पढ़ा लिखा वो सब तुम्हें याद आ रहा है नहीं आ रहा? अभी तो कुछ भी नहीं याद आ रहा। तो यानी पढ़ा नहीं तुमने? नहीं मैंने पढ़ा है गुरुजी। जो पढ़ा है तो वो याद करो, जो पढ़ा वो याद करो। मतलब क्वेश्चन सामने आएगा तो मैं आंसर दे पाऊंगी? हाँ तो अपना क्वेश्चन लाओ, आंसर आ जाएगा अपने आप, क्वेश्चन तो लाओ पहले। हाँ याद आ रहा है। आ रहा याद, सब याद आ रहा है, हाँ पीछे का सब आपको याद आ गया है, सब पढ़ा लिखा याद रहेगा आप, ठीक है, आगे भी सब याद रहेगा, ठीक है, खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे दरबार का मेरे। अब मोबाइल ना यूज करना, उन्हें तो मोबाइल हम छीन लेंगे तुम्हारा, खुश रहो, खूब खुश रहो, खूब खुश रहो पंकज, खुश रहो। बहुत परेशान कर लिया गंदगी ने गुरु जी, कल से परेशान थे पंकज तो है? कल गुरु जी हॉस्टल से ऐसे आनंद, मैं सुमेरपुर में था हमीरपुर से, तो वहाँ से इतना आनंद फाना मुझे आना पड़ा इसको हॉस्टल से लेकर, इतना सीने में तेज दबाव था कि लगता कह रहे मेरे प्राण छूट जाएंगे, और कल रात से हो गया कह रहे मैं मर जाऊंगी यही हालत थी। थे तो ऐसे ही लोग, दरबार नहीं तो मिलता तो सब कुछ हो जाता, कांड सारे कांड हो जाते, अंदर भूत प्रेत शैतान तो छोड़ो, पितर जादूगर नहीं बैठी अंदर, वो चला सब खत्म हो गए, नष्ट हो गए, खुश हो गए।